थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल के चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर सुधीर गोपाल झिंगरन की स्मृति में एक व्याख्यान माल का आयोजन रेलवे हॉस्पिटल स्थित झिंगरन मेमोरियल हॉल में किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में PGI लखनऊ के डॉक्टर गौरव अग्रवाल, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AP गुप्ता, सचिव डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर इमरान अख्तर सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर झिंगरन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए IMA द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। पीछे बहुत लंबी कहानी है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा संघ के ऊपर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 3 वर्षों तक इतना आंदोलन चला, अंत में सरकार को उसमें कुछ संशोधन करना पड़ा, जिससे अभी पूरा नहीं हो पाया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, कलकत्ता में जो दुर्घटना हुई उसके बाद पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चला कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इंटरव्यू है, उम्मीद है वो समाप्त हो जाए। अभी 10 और 11 तारीख को सेंट्रल काउंसिल डिप्लोमा इन मेडिसिन की क्लासेस चल रही हैं, डिग्री मिल रही है। आज तक चलाने के लिए हम लोगों ने किसी सरकारी संस्था से सहयोग नहीं लिया है। ये सारा कुछ अभी भी जो सैलरी किया जाता है, जो किया जाता है, सारे आप लोगों के सहयोग से ही होता है और चलता इकट्ठा होता है, उसी से होता है। तो ये बहुत गर्व की बात है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग अनजाने में ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आदमी चलता देखे भूल जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं जिसका उसको एहसास नहीं होता है। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इंस्पिरेशन से हम लोगों ने सीतापुर IA हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी जिसमें हाई हॉल खाली है था, तो उन्होंने कहा कि एक IMA जो है क्लिनिक चला है। तब से 27 मई 2017 को उसका उद्घाटन हुआ था, तब से निरंतर आज तक केवल SNDS को छोड़ करके हमारे मेडिकल अफसर डॉक्टर BK सिंह और साथ ही स्पेशलिटी के सारे डॉक्टर्स, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी चलाता है, MD मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स, चेस्ट एंड बीबी, ENT डेली बैठते हैं और स्किन की वीकली रिक्लिन है, और उसमें आज तक बताया नर्स ने कि 26,000 मरीज देखे जा चुके हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जो कि निःशुल्क सेवा करता हो। मेडिकल कोई भी दूसरे प्रोफेशन का आदमी कभी किसी भी कितना भी गरीब हो उसको चैरिटी में नहीं काम करता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन ही है जो चैरिटी में काम करता है। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी कहीं जाते हैं इस बात का वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे गोरखपुर में IMA क्लिनिक चल रहा है। ब्लड बैंक तो सब लोग चलाते हैं बहुत ब्रांचेस में, लेकिन IMA फ्री क्लिनिक कहीं नहीं चलती है। तो इसके लिए आप सभी सदस्यों के हम आभारी हैं और इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों ने मेगा हेल्थ कैंप डे आयोजित किया था पिछले साल गर्मी में 1 साल पूरा होने पर, जिसमें कि करीब 70-80 डॉक्टर्स ने भाग लिया था और 750 मरीज देखे गए थे। और डॉक्टर्स ने सुपर स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, सारे जो अभी आप सोच लें सब उसमें हम लोगों ने BFT, ECG, बोन डेंसिटी, थायराइड टेस्ट, शुगर, ये सब फ्री किया था। तो इसमें पूरा काम किया गया था, उसमें 750 लोगों का कैंप था। इस बार हम लोग उसको, क्योंकि मई में गए थे गर्मी थी, इस बार हम लोग उसको नवंबर में करने का प्लान कर रहे हैं मेगा कैंप। ऑर्थोपेडिक्स का भी हाल में ही अगस्त में एक ऑर्थो वीक बनाया गया था IMA के सौजन्य से कोलैबोरेशन से, जिसमें 4 अगस्त के पहले एक दिन में 300 मरीज देखे गए थे ऑर्थो के। उसके पूरे ऑर्थोपेडिक क्वेश्चन के लिए बहुत हवारी हैं, उन्होंने IMA का इसमें सहयोग लिया और IMA के साथ एक काम पूरा उन लोगों ने किया, तो IMA का भी एक लिस्ट पर है और ऑर्थो उन्होंने काम कर दिया उसमें। तो उसके लिए हम सर ऑर्थोपेडिक क्वेश्चन के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन लोग क्लिक 7 दिन चली थी, डेंटल क्लिनिक भी बताया है कि डेंटल डे, वर्ल्ड डेंटल डे के दिन IMA क्लिनिक के अंदर डेंटिस्ट जाते हैं, उन्होंने भी अपना एक कैंप लगाया था जिसमें क्लिक कमीशन 100 मरीज देखे गए थे। एक अलग से इस साल हम लोगों ने मीडिया ग्रुप के लिए, मीडिया के सारे पर्सन जितने हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए एक कैंप का आयोजन किया था। उसमें भी सारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट थे, सब सुविधाएँ थी। उसमें करीब 150 परिवारों ने आकर के अपना चेकअप करवाया था, जिससे काफ़ी हम लोगों को और आप लोगों का भी सहयोग था। इस साल हम लोगों ने
एंटी प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत 9 जुलाई से वहाँ पर सभी प्रेग्नेंट लेडीज का योजना के अंतर्गत जोड़ते हैं, उसमें एंटी से पड़ते हैं। इसमें जिला से अस्पताल का काफ़ी सहयोग प्राप्त कर, और शायद ये गोरखपुर ही एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर कि किसी डॉक्टर को अलग जगह योजना चलाने की अनुमति मिली है, जिसके लिए हम सीएमओ साहब के धन्यवाद देते हैं। क्योंकि योजना ये है कि डॉक्टर सरकारी सेंटर पर जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार की सुविधा जो है हम लोग के सेंटर पर आ रही है जो सरकारी नहीं है, जिसके लिए हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए। हमारे चिकित्सक उसमें लगे हुए हैं, जो वहाँ के नोड होगा उसकी सारी सुविधाएं के लोग डिलीवरी होती है, जाँच होना है तो सदर अस्पताल में जा करके जिला महिला में करवा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो चल रही है, 3 महीने हो गए हैं और आप लोगों का सहयोग इसमें वांछित है।